में ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। विधायक अंबा प्रसाद की आवास पर रेड खत्म हो गई है। रात 12:25 के करीब आवास से ईडी की टीम निकली। ईडी कई दस्तावेजों के साथ आवास से निकली है। करीब 17 घंटे तक ये छापेमारी चली। विधायक अंबा प्रसाद से भी लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद अंबा प्रसाद ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, छापेमारी खत्म हो चुकी है ईडी की, लेकिन सवाल यह है कि ईडी ने इस छापेमारी से क्या कुछ हासिल किया, और क्या यह माना जाए कि छापेमारी के बाद भी जो अंबा प्रसाद है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 17 घंटे की लंबी पूछताछ अंबा प्रसाद से की गई थी, ना सिर्फ अंबा प्रसाद से बल्कि 17 अन्य ठिकानों पर भी, जो उनके चाहे फिर वो रिश्तेदार हो चाहे उनसे जुड़े लोग हो, सबके ठिकानों पर जो है ईडी कल एलएस हुआ पहुंची थी। 17 घंटे लंबे पूछताछ अंबा प्रसाद से हुई और उनके घर से जब ईडी की टीम निकली थी तो कई दस्तावेजों के साथ निकली थी। अंबा प्रसाद ने भी बयान दिया है कि कई राजनीतिक इसमें हटकंडे भी थे, कई चीजों को अंबा प्रसाद ने मेंशन किया है। पर जरूर आप अगर ये सोचे कि किस तरह से ईडी कार्रवाई करेगी, तो पहले भी देखा गया कि ईडी एक बार जब किसी के आवास पर या कहीं भी ठिकानों पर जो है रेड मारती है तो उसको जरूर दोबारा समन करके आगे की पूछताछ के लिए कि जो कुछ हाथ लगा है उसको ईडी खंगालती है, उसका आकलन करती है, फिर दोबारा उसे जो है समन कर ईडी कार्यालय बुलाती है, पूछताछ करती है। और ये लंबी प्रक्रिया चलती है जब तक ईडी संतुष्ट नहीं हो जाए, चाहे जो है पूरा मामला जो है निपट ना जाए। और बात करें दूसरी तरफ तो उनके जो हजारीबाग के पूर्व सीईओ रहे थे, उनके घर से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए, तो उसको लेकर भी ईडी जरूर कार्रवाई करेगी। अंबा प्रसाद से भी कल इस बारे में जरूर पूछताछ हुई होगी, हालांकि अधिकारी का भी कोई पुष्टि नहीं कि किन कागजातों के साथ जो है ईडी निकली है, पर माना यह जा रहा है कि जरूर, क्योंकि हजारीबाग में कई ऐसे मामले हैं, जो बड़का गांव जहां से अंबा प्रसाद विधायक है वहां से भी कई ऐसे मामले निकल के आ रहे थे, चाहे वो जमीन से जुड़े हो, चाहे अवैध जो कोयले से बात हो, चाहे और भी कई चीज मामलों को लेकर जो है अंबा प्रसाद और उनके जो करीबी है उनके ऊपर आरोप लगे थे। तो तमाम चीजों को लेते हुए ईडी अब जो है अपनी कार्रवाई तेज करेगी। जी तनय, जिस तरह से अंबा प्रसाद ने बयान दिया कि ये जो छापेमारी हुई है वो राजनीति से प्रेरित थी, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया इसलिए छापेमारी की गई है, तो ये माना जाए कि इस छापेमारी के बाद से एक बार फिर से विपक्ष ईडी पर और बीजेपी पर हमलावर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहले भी देखा गया था कि राज्यसभा सांसद कांग्रेस से जो अब जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, धीरज साहू, उनके घर भी आईटी पहुंची थी। कांग्रेस के तमाम जो इस बीते 5 सालों में जो झारखंड में सरकार रही है, इस दौरान कई कांग्रेस के विधायकों के आवास पर, कई विधायकों के ठिकानों पर जो है ईडी क्रिएट हुई है, तो इसे कई राजनीतिक गलियारों में इस तरह से माना जा रहा है कि बीजेपी जो है विपक्ष को दबाने के लिए, और लगातार बयानबाजी भी कांग्रेस के तरफ से यही हो रही है कि बीजेपी की ओर से दबाव बनाने के लिए, क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो है अंबा प्रसाद का नाम उछल उछल के आ रहा था कि हजारीबाग से जो है उन्हें मनीष जायसवाल जहां से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उन्हें अंबा प्रसाद को भी टिकट मिल सकता है कांग्रेस की ओर से। वहीं जिस तरह से अंबा प्रसाद ने बयान दिया है कि उन्हें बीजेपी ने ये कहा था कि वो चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कई हटकंडे जो है माने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है और साफ है कि इसके बाद अब झारखंड में सियासत और भी गर्माएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तनय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, सीएए को लेकर झारखंड में अलग